हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रावणी। देखिए कितना मैस हो गया है। सारे कपड़े इधर रखे थे मेरे, ये डेली वेयर के कपड़े इधर रखती हूँ। अब मैं इसको जमाने वाली हूँ ये त्योहारों में। हाँ, क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे बाकी को कुछ कट गया है। बोलने लगा ली ना? हाँ, थोड़ा सा लगा क्योंकि मैंने मिटा दिया थोड़ा सा। कोई थोड़ा बात, थोड़ा लगा हुआ। तो ये मैं जमाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसा कुछ खास नहीं है, पर ये इतना मैसी हो गया इतने दिनों में। त्योहारों में बाहर जाते रोज रेडी होते, कपड़े उतार के ही छोड़ देते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको पूरा जमाया है। ये देखिए ऊपर वाला शेल्फ, ये मेरा सूट का शेल्फ है। ये कुछ साड़ियां मैं ऐसे टांग देती हूँ, ये भी साड़ी वाला शेल्फ है। और देखो मैं आपको कुछ नीचे मिक्स है। अरे पाखी, देखो इसको कुछ कुछ मिल जाता है, वो सब दिखाएगी। ये जो है देखो पापा ने क्या, अभी देखो पाखी की घड़ी टूट गई, किसी ने गिफ्ट दी थी। आंटी ने गिफ्ट दी थी मासी ने। हाँ, सुंदर है ना। हाँ, उसमें लिखा भी है इसके अंदर, यस यस लिखा है। सुंदर थी, टूट गई, खुल नहीं रही थी, ताकत लगाया तो टूट गई। और ये खूबसूरत सी हेयर बैंड, ये भी कितना खूबसूरत सा हेयर बैंड है। और ये क्या चीज है? ये बस पाखी हो गया। ये हाँ, ये पाखी ये सब कहाँ लगाती है? पाखी देखो क्या पहन के, स्कूल की यूनिफॉर्म का हुडी पहन के खड़ी है। तो ये तो मेरा ऐसे जमा लिया। अभी मैंने सेक्शन वाइज सूट है, फिर ये नीचे के लोअर्स हैं, और यहाँ पे गाउन्स हैं। अच्छा, लोअर इसमें आ गया, ये लोअर्स हैं। मैंने यही है, अब इस तरह से डिवाइड करती हूँ। ये लोअर्स वाले सेक्शन है, ये गाउन है, ये सलवारें हैं, और ये कुछ ऐसे कपड़े जो मिक्स हैं, कुछ सूट हैं, कुछ टॉप्स हैं, और ये गाउन्स हैं। तो इसको पहले रख देती हूँ, ये सब आजकल ना काम में आएंगे। ठंड पड़ रही है ना, तो सलवार एक सलवार से तो होता नहीं है, मुझे दो दो सलवारें लगती हैं। उस हिसाब से मैं उनको रखती हूँ, दोनों को पहन पाऊँ। ये देखिए अब थोड़ा जमा हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत ही मैसी था पहले, बहुत मैसी। हाँ, ये गाउन्स हैं, गाउन्स भी लगते ही हैं। कंफर्ट में रहना है तो गाउन तो चाहिए, और मेरे को तो रात में तो बिना गाउन के नींद भी नहीं आती है। ये जम गया है, देखो कौन बैठा है जमा हुआ। और यहाँ देखो मैं पाखी, जम गया। अच्छा, मैं पाखी। इसके बारे में बताना, ये हम लोग उस दिन गए थे ना मॉल, तो ये लेके आए थे। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया गर्म पानी पीना। पानी भी बहुत अच्छे से आता है। आज से मैंने पीना चालू कर दिया है क्योंकि अब ठंड सी पड़ गई है। मैंने भी पीना। हाँ, पाखी को पाखी को तो देख के समझ भी गए होगे कि उसको तो ज्यादा ही ठंड लग रही, मुंह में नहीं डालो। छी, तो ये पूरा रेडी हो गया जम के। खोलने के लिए करना पड़ता है। हाँ, ऐसा कहाँ ये? अच्छा अच्छा अरे बाप रे, पाखी तो क्या क्या ढूंढ के निकाल देती है। हाँ, दिन ना ग्रॉसरी शॉपिंग में शॉपिंग करके लाए, और तेल वाला बैग ना इसके ऊपर रख दिया, और तेल इतना उसमें से निकल के आ गया, और ये पूरा हमारा काउच में ना तेल तेल हो गया। तो इसमें मैंने खूब सारे अखबार लगाए, फिर जब वो सूखा तो फिर थोड़ा पाउडर भी डाला है। मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। तो मैं, ये एक तरीका है ऑयल को एब्जॉर्ब कराने का, पाउडर इज़ द बेस्ट वे। पहले तो उसमें ये जो लकड़ी का है ना मेरा चॉपर, वो भी मैंने रख दिया, उसने भी बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लिया। उसके ऊपर अखबार पे अखबार, इतने सारे पेपर लग गए, ठीक हो गया। दीदी से बहुत कोशिश करी थी पूछने की, दीदी ना उसको दूसरी बातों में उलझाए रहती थी तो वो पूछ ही नहीं सकी। आपको क्या बताऊं?
अच्छा है ना, पानी से ही धुल जाते, पानी साबुन से। ये तो इसी से साफ हो जाएगा, बोले कि साल में एक दो बार तो हो ही जाता है। यही वो बैग है जिसमें से तेल रिसा था और फिर हमने आज इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसमें कचरा भर के बाहर डाल दिया। अब ये डस्टबिन में कचरा है, सब वो ले जाएगा जो आता है। ये देखिए आज और फंसा दिया इसमें, अंदर की तरफ तेल तेल लग रहा था तो यहाँ अंदर फंसा दिया मैंने। तीन चार दिनों से बाहर खा रहे हैं ना, तो आज मैंने सोचा कुछ हेल्दी सा नाश्ता बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ स्वीट कॉर्न चाट बनाया, बहुत सारी सब्जियाँ डाल के, दही और चाट मसाले के साथ, नींबू के रस के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगा। और ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो आप शॉर्ट में देख सकते हो, मैंने शॉर्ट में ही उसको डाल दिया है, ठीक है ना। हमारे घर के बाजू में ना एक दशहरा सेलिब्रेशन होता है, जहाँ पे रावण जलाते हैं, वहाँ पे ना खूब फायर वर्क हो रहे थे, हमारे बालकनी से ना कुछ दिख भी रहे थे फायर वर्क्स। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये वीडियो ना नेक्स्ट डे का है। और मैं सही बताऊँ, इतने दिनों से हम लोग बाहर जा रहे थे ना दुर्गा पूजा में सुबह शाम, तो बहुत सारे मेरे काम पेंडिंग हो गए, मैं इसीलिए आज ज़्यादा आप लोग से बात नहीं कर पाई और इसीलिए वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना ये पौधों को काटना भी था बहुत दिनों से, क्योंकि अब इनके फूल का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो ये काट के रख दूँगी तो अच्छे से और घने इसके पौधे हो जाएंगे। फिर जब तक फ्लावरिंग सीज़न भी आ जाएगा, इनको लगा भी सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास पॉट नहीं है एक्स्ट्रा, तो इनको मैं फेंक ही दूँगी। अब क्या कर सकते हैं, किसी को, नेबर्स को भी दे दूँगी अगर कोई किसी को चाहिए होगा तो। होता ये है ना कि हम अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, लेकिन प्लांट्स की केयर तो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। दो दिन में नेगलेक्ट करो ना तो वो बेचारे मुरझाने से लगते हैं। आजकल तो बारिश भी नहीं हो रही है, तो फिर पानी भी डालो, सब करो, कटिंग करना भी ज़रूरी है। अगर आपको प्लांट हेल्दी चाहिए तो उसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बोल रही हूँ, क्योंकि कटिंग करते रहेंगे ना तो प्लांट्स इतने अच्छे, इतने हेल्दी निकलते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले एक्साइटिंग ब्लॉग में। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।